कल हमारे एक स्वर्ण व्यवसायी हैं कैलाश जी, वो अब उनकी दुकान है तकिया में, वो दुकान बढ़ा कर करके अपने घर जा रहे थे और बढ़ाने क्रम में अपना सामान घर भी ले जाते थे साथ में, उसी क्रम में उनके सामान को लूट भी लिया गया और उनको गोली भी मार दिया। हम SP साहब, DM साहब और यहाँ के DGP से हम आग्रह करेंगे रोहतास जिला में किस प्रकार स्वर्ण व्यवसायियों को टारगेट अपराधी के द्वारा किया जा रहा है, इसका हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं। तो वही दोबारा आ गया जंगल आज पार्ट 2 आ गया है, क्योंकि जब से नया सरकार बना है तब से ही ज्यादा से ज्यादा ये सब। लगातार जिस तरह से घटनाएं रोहतास में बढ़ती जा रही है और कह सकते हैं कि चरम सीमा पर है, अपराधियों के द्वारा लगातार जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, बेखौफ और फूकर अपराधी किसी भी तरह की घटना को अंजाम दे दे रहे हैं। कल संध्या के करीब में 7:30 बजे तकरीबन अपराधियों के द्वारा स्वर्ण व्यवसायी को जिस तरह से गोली मारा गया, वह दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे और उसी क्रम में अपराधियों के द्वारा घात लगाकर अपराधी बैठे हुए थे और जैसे ही स्वर्ण व्यवसायी अपने घर की तरफ जा रहे थे तो अपराधियों के द्वारा धनाधन गोलियां चला दी गई और स्वर्ण व्यवसायी की जांघ में गोली लग चुकी है। उसी को लेकर यहां पर देख सकते हैं कि तमाम जिले के स्वर्ण व्यवसायी यहां पर पहुंचे हैं और जिला मुख्यालय है DM साहब के पास से ये लोग प्रेस विज्ञप्ति देकर आ रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कल हमारे एक स्वर्ण व्यवसायी हैं कैलाश जी, वो अब उनकी दुकान है तकिया में, वो दुकान बढ़ा कर करके अपने घर जा रहे थे और बढ़ाने क्रम में अपना सामान घर भी ले जाते थे साथ में, उसी क्रम में उनके सामान को लूट भी लिया गया और उनको गोली भी मार दिया गया। उसी सब को देखते हुए हम लोग स्वर्ण व्यवसायी सब लोग बहुत डरे हुए हैं और ऐसा मतलब कि इस तरीके का अपराध बढ़ते जा रहा है, उसको लेकर के हम लोग DM साहब के पास, SP साहब के पास, DSP साहब के पास और थाना में ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। लगातार जिस तरह से बिहार में अपराध की घटनाएं चरम सीमा पर है, हत्या, लूट, छिनैती जैसे घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले जो कल घटना हुआ है उसका मैं घोर निंदा करता हूं और यहां के रोहतास जिला के SP साहब, DM साहब से हम लोग एक कमेटी के द्वारा यहां मिलने आए हैं। हम उनसे आग्रह करेंगे, मांग करेंगे कि जो आए दिन स्वर्ण व्यवसायियों को अपराधी के द्वारा जो निशाना बनाकर लूट किया जा रहा है, गोली चलाया जा रहा है, इसलिए DM साहब, SP साहब इस पर तत्काल निर्णय लें और स्वर्ण व्यवसायियों जो डरे हुए हैं उनकी सुरक्षा और उनके व्यवसाय प्लेस में प्रशासन की गश्ती यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए और स्वर्ण व्यवसायी जो सही हैं उनको आर्म्स का लाइसेंस निर्गत किया जाए, ताकि हम लोग डरे हुए हैं, हमारे बच्चे, हमारे जान माल की खतरा हो सकता है। इसलिए हम SP साहब, DM साहब और यहाँ के DGP से हम आग्रह करेंगे रोहतास जिला में जिस प्रकार स्वर्ण व्यवसायियों को टारगेट अपराधी के द्वारा किया जा रहा है, इसका हम लोग घोर निंदा कर रहे हैं। आज हम लोग शांतिपूर्वक प्रशासन को, रोहतास के DM साहब, SP साहब को आवेदन देंगे, अगर अपराधी पकड़ाया नहीं, अपराधी के साथ अगर कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो हम लोग बाध होकर सड़क पर उतरेंगे, इसका सारा जवाब जिला प्रशासन की होगी। क्या लगता है कि लगातार जिस तरह से रोहतास में हत्या, लूट और छिनैती बढ़ती जा रही है, क्या अपराधियों के बीच खौफ नहीं है क्या पुलिस को? नहीं, जब से सरकार बदला है तब से ज्यादा अपराधी एक्टिव हो गए हैं और ज्यादा स्वर्ण व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है। इस तरह से आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं? जी, हम अभी हम लोग जिस तरह से स्वर्ण व्यवसायी डरे हुए हैं, हमें नहीं लगता कि सरकार हमें अच्छे से सुरक्षा प्रदान कर पा रही है। हम लोग अपना सुरक्षा के लिए मांग कर रहे हैं सरकार से कि स्वर्ण व्यवसायियों को विशेष रूप से सुरक्षा दिया जाए, क्योंकि बिहार में लगातार स्वर्ण व्यवसायी को ही टारगेट किया जा रहा है। हर जिले में आप हर एक दिन, दो दिन पे आप सुनेंगे तो घटनाएं हो रही हैं हर स्वर्ण व्यवसायी के साथ। तो हम लोग काफी डरे हुए हैं इस चीज को लेकर के, हमें सुरक्षा चाहिए। अगर हम सरकार को, अगर हम लोग, सरकार ही हमें सुरक्षा नहीं देगा तो हम किसके भरोसे फिर हम अपना कारोबार आगे बढ़ा पाएंगे? तो हम चाहते हैं कि हमें सुरक्षा मिले। क्या नाम है आपका? रवि कुमार सोनी। अच्छा, लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जब से सरकार महागठबंधन का आया तब से लोग आरोप पर प्रत्यारोप लगा रहे हैं सरकार पर कि सरकार में फिर से जंगल राज की वापसी हो गई, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? हम लोग खुद पे अनुभव कर रहे हैं, हम बिजनेसमैन, कारोबारी लोग, हम लोग को तो लगता है कि शायद फिर से वही दोबारा आ गया, जंगल राज पार्ट 2 आ गया है, क्योंकि जब से नया सरकार बना है तब से ज्यादा ये सब घटनाएं हो रही है। पहले इतना नहीं होती थी, पहले सब कुछ काबू में था, लेकिन अभी कुछ ज्यादा ही ये सब घटनाएं बढ़ गई हैं।
जैसे कि अभी आपने तमाम जिले के यहाँ पे स्वर्ण व्यवसायी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं और ये डीएम साहब के पास जो कार्यालय है उनके कार्यालय की ये लोग नीचे हैं और सीधा सीधी तौर पे इन लोगों के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति सौंपा गया है, डीएम को भी सौंपा गया है, यहाँ के जो पुलिस कप्तान है उनको भी सौंपा गया है, जो डीएसपी है उनको भी दिया गया है और काफी स्वर्ण व्यवसायियों में खौफ का माहौल है। देख सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि काफी सहमे हुए लोग हैं, काफी लोगों का कहना है कि लगातार जिस तरह से घटनाएं लगातार रोहतास में घट रही है और इसी को लेकर ये लोग यहां पर जिला पदाधिकारी के जो कार्यालय है उसके नीचे ये लोग खड़े हैं और आवेदन दिए हैं और इन लोगों का सीधा सीधे तौर पर जिला प्रशासन से मांग है कि हम लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था कराई जाए। तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। मैं मीडिया दर्शन से सोनू कुमार, धन्यवाद।